हम लोग जब बाहर निकले और यहाँ वहाँ जब समिति लोग को बनाए हर गांव में, तो हम लोग का ये लकड़ी माफिया लोग इशारा से हम लोग का 2007 में डकैती करवा दिया था। मतलब वो भी रात 1:30 बजे करीब हुआ था। तो उसके बाद सवेरे में हम लोग थाना को इन्फॉर्मेशन किए, तो थाना वाला लोग आए और सब देखा। उसके बाद नोट किया, नोट करने के बाद वो लोग भी चले गए, फिर हम लोग भी काम में गया। तो एक हफ्ता के अंदर में जितना भी हम लोग का घर में डकैती लोग घुसा था, तो एक हफ्ता के अंदर में वो लोग को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो लोग को जेल में भेज दिया। जेल भेजने के बाद अभी भी वो लोग जेल में है और वो लोग का सजा भी हो गया। तो जब जमुना टुडू ने फिर से डरी नहीं, फिर आगे बढ़ी और हम भी उनको हिम्मत देते रहे कि चलिए जो होता है होता है, वो सब देखने से नहीं होगा, जो हम लोग का काम है उसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद हम लोग एक टाइम ये जो हम लोग का रेलवे स्टेशन है कोकपड़ा, वहाँ पर हम लोग को बोला कि तुम लोग का स्टेशन से तो बहुत सारा लकड़ी जाता है। तो हम लोग बोला ऐसी रुकने से तो नहीं होगा, पहले तो स्टेशन मास्टर को एक ठो लिखित देना होगा। लिखित देने से उसका भी एक ठो नज़र में रहेगा कि हमको लिखित दिया है, इसको ये लोग को थोड़ा साथ देंगे। तो बोला ठीक है। उसके बाद लिख के हम लोग स्टेशन मास्टर को दिए। फिर हम लोग डेली शाम को जाते थे सब महिला को लेके। तो कुछ कुछ दिन तो ऐसे वो लोग भाग जाता था, पहले भागता था। उसके बाद फिर एक रोज जितना भी लकड़ी वो लोग को छोड़ छाड़ के जाता है, वो सब हम लोग का जितना भी महिला लोग जाती है वो लोग ढो के लेके आती थी घर में। तो उसके बाद अचानक एक रोज ऐसी बोला कि चलो आज फिर जाएंगे, ये लोग फिर गया, हम लोग भी साथ में हैं। हम लोग उस दिन 3 आदमी था और बाकी लेडीज था सब। तो गया जाके देखा बहुत सारा लकड़ियाँ वहाँ पड़ा था। तो उसके बाद हम लोग को देख के तो वो लोग भाग गया। तो एक ठो लेडीज वहीं पर था, तो उनसे जमुना टुडू बात कर रही थी, तो हम भी पीछे में था वहीं पर सामने में। तो बात करते करते वहाँ अंधेरा से पत्थर आने लगा। जब पत्थर आने लगा तो पहले तो उसको चोट लग गया, एक ठो पत्थर सिर में लग गया तो खून निकलने लगा। तो वहाँ से हम लोग बोला चलो स्टेशन तरफ। तो तब तक इन लोग भी पहुँच गया, जितना लेडीज लोग था उधर सब, हम लोग उधर से आने लगा। तो इन लोग आगे आगे है, सबसे पीछे हम था। हम उसी टाइम मेरा सिर में ज़्यादा लगा था चोट। तो उसके बाद आते आते स्टेशन पहुँचते पहुँचते मेरा तो पूरा लुहलुहान हो गया, पूरा मतलब शर्ट उट पूरा भींग गया। भींगने के बाद हमको वहाँ स्टेशन में अंदर घुसा दिया। घुसाने के बाद
सब वो लोग तो हल्ला गुल्ला करने के बाद जो मेरा साथ में और एक ठो जो साथी था वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा ही था, तो वो मतलब दो आदमी को पकड़ा था, पकड़ के वो लोग को फेंक दिया था रेलवे ट्रैक में। तो उस टाइम शायद गाड़ी उड़ी नहीं आया, नहीं तो वो लोग काट जाता। तो हादसा नहीं हुआ कुछ, उसके बाद वो लोग चला गया। फिर हम लोग भी वहाँ से सब आदमी हम लोग वहाँ से निकाल के आए। करीब रात 10:30-11 बजे हम लोग आए वहाँ से। आने के बाद वहाँ गांव का एक छोटा डॉक्टर था, वहाँ हम लोग आए, आके सबका इंजेक्शन फिंजेक्शन ये सब टेबलेट उबलेट दिया। उसके बाद रात को हम लोग घर वापस आए। तो सवेरे फिर हम लोग दोनों आए रेंज ऑफिस। रेंज ऑफिस आके हम लोग को बोल रहा तुम लोग केस कर दीजिए। तो हम लोग बोला भाई केस करना तो बड़ा बात नहीं है, सबको झेलना पड़ेगा। तो हम लोग बोला केस नहीं करेंगे, वो लोग को समझाएंगे, उसके बाद अच्छा रास्ता वो लोग को दिखाना होगा। हम लोग को जब चोट लगा है फिर भी हम लोग डरे नहीं और ना डरेंगे। इसी वजह से हम लोग और ज़्यादा तेज कर दिए काम को। पूरा पूर्वी सिंहभूम में हम लोग समिति बनाना चालू कर दिए। हर विधानसभा क्षेत्र गए, यहाँ पूर्वी सिंहभूम में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा हम लोग घूमने लगा। इधर हम लोग का काम भी चलते रहा, काम अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, फिर घूमेंगे कैसे, वो भी तो चाहिए। इसलिए इधर राजमिस्त्री का काम भी करते हैं और इधर घूमते भी हैं। जैसे हफ्ता में एक रोज तो हम लोग घूमते थे, यहाँ नहीं तो वहाँ। हम लोग का प्लान हो जाता था कि इस हफ्ता में हम लोग को वहाँ जाना है, वहाँ पर जाके किसी से हम लोग कॉन्टैक्ट कर लेते थे। तब तक तो मोबाइल का ये हो गया, ज़्यादा आने लगा, सबके पास मोबाइल होते गया, तो सबसे हम लोग तो अभी मोबाइल से कॉन्टैक्ट करते गए। ऐसी करते करते हम लोग पूरा विधानसभा क्षेत्र में काम किए। तो एक बार हम लोग का जब दिल्ली में प्रोग्राम हुआ 100 वुमेन्स वाला, वो 2016 में, 2016 में जब प्रोग्राम हुआ तो हम लोग दोनों दिल्ली गए। तो जाके उस टाइम एक आदमी का टिकट मिला था, मेरा टिकट नहीं था। तो बोला हम अकेला कैसे जाएंगे, चलिए दोनों चलते हैं। तो हम लोग ट्रेन से गए, जाके स्टेशन में उतरे, उतर के फिर एक ठो टेम्पू किए, टेम्पू करके वहाँ होटल में गए। जाके वहाँ भी बोला कि एक आदमी के लिए होटल बुक है और एक आदमी का पैसा लगेगा। बोला ठीक है चलिए, एक दिन का तो है। उसके बाद हम लोग वहाँ ठहरा। तो इन लोग को सवेरे 10 बजे इन लोग को बस से ले गया राष्ट्रपति भवन। उस टाइम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी था। तो इन लोग को वहाँ सम्मानित किया और उसके बाद हम लोग आए। आके हम लोग को बोला कि 26 जनवरी तक रहना होगा, जनवरी महीना था। तो हम लोग वहाँ पर 22 जनवरी
हाँ 22 जनवरी का इन लोग का फंक्शन था सम्मानित का। उसके बाद 26 जनवरी तो हम लोग को रहना है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कैसा क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो घाटशिला का विधायक था उनसे हम लोग संपर्क किया। उसके बाद ये जो झारखंड भवन वहाँ पर हम लोग को रूम एक ठो दिलवाया, तो वहाँ पर हम लोग रहे। रहने के बाद वहीं पर एक मतलब 24 तारीख को मुख्यमंत्री वहीं पर आया तो हम लोग से भेंट करने। तो उसके बाद हम लोग वहीं पर बात उत किए। हम लोग तीनों थे, कोई नहीं था, मुख्यमंत्री था और हम लोग दोनों थे। तो वहाँ पर बात उत करने के बाद तो मुख्यमंत्री बोला थोड़ा फ़ोटो ले लीजिएगा। उसके बाद फ़ोटो वोटो हुआ और वो फ़ोटो को चाकुलिया भेज दिया। तो यहाँ पर तो छाप गया कि मुख्यमंत्री वहाँ ये लोग बात कर किया रघुवर दास से। उसके बाद वहीं पर हम लोग उसको बोले सर देखिए हम लोग का तब 6 जून को या 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है हर साल, तो इस बार आप 5 जून को चाकुलिया आना होगा। तो बोला ठीक है जमुना जी, आप जब भी बोलेगा तब भी हम आ जाएंगे। तो वही 26 जनवरी का बात, वही 24 जनवरी का। तो उसके बाद 26 जनवरी हुआ वहाँ हम लोग, हाँ 2016 में। तो उसके बाद 27 जनवरी 2016 को हम लोग आपस आए। आपस आने के बाद यहाँ तो पूरा हल्ला गुल्ला हो गया कि ये लोग मुख्यमंत्री से भेंट किया, ये किया, बात किया। तो हाँ भाई, जब मुख्यमंत्री हम लोग से भेंट करने आया तो बात नहीं करेंगे, करना चाहिए। तो हम लोग किए। तो ऐसा करते करते हम लोग फिर यहाँ पर बैठक किया। जनवरी से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक हम लोग का बैठक चला। हर महीना हम लोग को बैठक पूरा पूर्वी सिंहभूम का जितना भी समिति लोग पूरा यहाँ डाक बंगला पर हम लोग बुला देते थे। और पूरा मतलब एक रोज मतलब सुबह से शाम तक 10 बजे हम लोग टाइम देते थे, 10 से 5 6 बजे तक यहाँ पर हम लोग बातचीत करते थे कैसा प्रोग्राम होगा, क्या करना है। तो ऐसा करते करते पहुँच गया। तो हम लोग मई महीना को हम लोग निमंत्रण देने गया। कितना तारीख था याद नहीं होता है, मई महीना को हम लोग मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने गया। हम लोग सोचा कि 5 तारीख को आने नहीं अगर सकेगा तो 3 दिन का प्रोग्राम रखना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद 3 दिन का प्रोग्राम में किसको किसको बुलाएंगे वो बात का बात है, पहले तो उनका बात है। तो हम लोग सब चीज़ बनाए, ड्राफ्ट ड्राफ्ट सब किए। उसके बाद लेटर वेटर बना के हम लोग चले गए। जब चले गए तो हम लोग जैसी गेट पर पहुँचे, बोलता है कि कोई आदमी को तो 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ा करके आना पड़ता है। और हम लोग का गाड़ी उस दिन मतलब हम लोग पहला दफे जब गए तो हम लोग का गाड़ी डायरेक्ट गेट खुला था। हम लोग का गाड़ी पूरा अंदर अंदर जाके जहाँ पार्किंग है गाड़ी का वहाँ पर हम लोग को लगा दिया गाड़ी। लगाने के बाद वहीं पर बैठी थी ये मुख्य सचिव राजबाला वर्मा। तो वो हम लोग का जमुना को तो पहचाना नहीं था, जो टीवी वी ये सब में देखा था। तो
उसी दिन जब हम लोग पहुँचिए तो बोला कि आइए आइए मैडम आइए, आपको तो हम लोग टीवी में देखे हैं, आज सामने आए हैं तो हम लोग थोड़ा बैठेंगे। तो वो दोनों उधर बैठ गया, बात कर रहे, हम लोग को ले गया अंदर, जाके वहाँ पर हम लोग बैठे, फिर वहाँ पर पानी उनी चाय हुआ। उसके बाद आधा घंटा के बाद मुख्यमंत्री आया। आने के बाद ये तो मैडम चले गया वहाँ जमुना टुडू मुख्यमंत्री के वहाँ, जाके लेटर दिए, फिर वहाँ भी फोटो वोटो हुआ। तो बोला कितना तारीख को सर आप आइएगा, हम तो 5, 6, 7 तारीख तक हम रखे हैं। तो बोले आपका काम कितना तारीख को है, कब मनाइएगा? 5 जून पर्यावरण दिवस। तो बोला सर 5 जून तो 5 जून से तो हम लोग मनाते हैं 5 जून को, तो आपका टाइम कब होगा इसीलिए हम लोग 3 दिन कर दिए। तो बोला नहीं, बोला हम 5 जून को ही आएंगे। तो बोला ठीक है सर, 5 जून को तब आइए। उसके बाद हम लोग वहाँ से आए निकाल के। तो फिर 5 जून को मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ यहाँ चाकुलिया के NJ स्कूल में। उसके बाद फिर और 2 दिन बचा है, 2 दिन उसका प्रोग्राम, किसको किसको बुलाना है। एक रोज़ बुला दिए JB तोबित को, उसका प्रोग्राम हुआ। और एक रोज़ किसका जो प्रोग्राम रखा था थोड़ा ख्याल नहीं हो रहा, 3 दिन का प्रोग्राम था हम लोग का। तो वो वाला प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर अपना काम चालू किए, फिर बैठक चलते रहा। इधर हम लोग का मिस्त्री का काम भी चलते रहा। तो ऐसा करते करते फिर 2017 आया। 2017 में हम लोग का फिर से पहुँचेगा 5 जून। तो उसके बाद फिर प्रोग्राम होगा। तो फिर हम लोग बैठक किए, बैठक करने के बाद हम लोग का सबका सहमति से फिर बोला कि इस साल राज्यपाल और मुख्य सचिव को बुलाया जाए। तो बोला ठीक है, किया जाएगा प्रोग्राम। उसके बाद जितना भी समिति के आदमी सब है, सब मतलब बोला कि ठीक है इस बार भी अच्छा से मनाएंगे, और हम लोग का राज्यपाल और मुख्य सचिव को बुलाना ही है। तो फिर वही बैठक से करके हम लोग फिर 2017 में मुख्य सचिव और राज्यपाल को बुलाए। एक ठो वहाँ पर हम छोड़ दिए। नहीं ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास बच्चे नहीं है तो बच्चों के बारे में कभी सोचा नहीं आपने? बच्चों के बारे में तो हम लोग सोचे थे, लेकिन ऊपर वाला का देन है, नहीं दिया। तो हम लोग अब सोचे हैं कि यही पेड़ पौधा ही बच्चा है, हर चीज़ हम लोग का पेड़ पौधा ही है। इसी सोच के हम लोग है। पहले कभी लगता हो, लोग बोलते हो कि औलाद नहीं है, ऐसा कभी लगा महसूस हुआ?
हम लोग, हाँ कोई कोई बोलता था कि बच्चा उच्चा नहीं है, ये है वो है, तो वो हम लोग दिमाग में नहीं लेते, कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है वो हम लोग को का दिमाग में बाहर है। और कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो एकदम दर्दनाक वाली घटना, कोई पता है आपको ऐसी, जैसे कभी लगाओ कि नहीं यार अपनी अपने करना है, अपने को जिंदगी चली जाएगी तो क्या मतलब, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ वैसा ऐसा दर्दनाक घटना तो हम लोग का तो नहीं हुआ है, तो इनका जो भाई है उसका थोड़ा सा हम लोग को बहुत ये लगा था। उस टाइम हम लोग मतलब कि 2016 में हम लोग इधर प्रोग्राम, उसके बाद इधर ट्रेनिंग बच्चों लोग को, तो ये तो जा नहीं पाई। उसके बाद हम ही वहीं पर था उसको देखने के लिए, हम ही सब कुछ किया, कहाँ हॉस्पिटल ले जाना है, कहाँ क्या करना है नहीं करना है। जब तक जान था और जान जाने तक हम वहीं पर था उसका सेवा में। जब उसका जान चले गया तो इसको हम फोन किए कि सब ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमको खाली खोज रहा है, तुम थोड़ा सा आ जाना आज शाम तक। तो ये बोली कि अभी तो 2 बज रहा है, कैसा यहाँ से हम वहाँ पहुँचेंगे। तो हम बोला कि एक काम कीजिए, अगर ऐसी होगा तो ट्रेन से आ जाइए टाटा, और टाटा से रायरंगपुर बस पकड़ लीजिए, और वहाँ तक हम किसी को भेज देते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाएगा और वहाँ से उठा के आएगा लेके। कहाँ पे एडमिट थे? एडमिट नहीं, उस टाइम तो हमको बोल दिया ये रायरंगपुर हॉस्पिटल से हम ले गए ये बारीपदा, बारीपदा हॉस्पिटल से हम ले गए कटक, कटक से वो लोग बोला कि अब इनको अगर अच्छा करना है तो वेल्लोर ले जाइए। हाँ तो एक दफ़े तो हम अच्छा कर दिए थे यहाँ पर लाके, पहला दफ़े जब सीरियस था यहीं पर लाके हम पूरा सब ट्रीटमेंट करवा के यहाँ पर ठीक कर दिए थे, चलने फिरने लायक हो गया था। तो उसके बाद जब बारिश हुआ तो धूप का सीजन में था, उस टाइम तो हाँ, ये जब बारिश गिरा, बारिश गिरने के बाद बोला कि अब उधर धान उन लगाने का है, हम लोग जाएंगे। तो ऐसे हम टाल दिया 2-3 दिन कि तुमको जाना नहीं है, जब तक तुम अपना ताकत से वो जो चापाकल दिख रहा बाहर में वहाँ से एक बाल्टी पानी लेके आओगे तब जाओगे यहाँ से, और नहीं तो तुमको जाने नहीं देंगे। तो वो 3 दिन रोया जाने नहीं देने के बावजूद। तो हम बोला ये हम लोग तो रहेंगे नहीं, फिर ये कब ट्रेन में चढ़ जाएगा, तो चल जाएगा कहाँ कहाँ फिर। तो हम बोला नहीं, ये लोग को पहुँचाना होगा, सब बच्चा उच्चा सब है। तो उसके बाद एक ठो गाड़ी करके ये लोग को घर छोड़ दिए।
वहाँ छोड़े, उसके बाद फिर हम उसी गाड़ी से रिटर्न आए उसी दिन। तो उसके बाद फिर ऐसी सितंबर महीना था, तो सितंबर महीना में वहाँ पर बहुत बड़ा ये आपका पहाड़ पूजा होता है। अभी इस साल तो 10 तारीख कर दिया, उस साल शायद 3-4 तारीख था, इस साल तो 10 तारीख में होगा। वहाँ गांव का बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, वही 1.5-2 किलोमीटर। तो उस दिन हम लोग भी गए, जाके बोला चलिए हम लोग घूमने थोड़ा जाएंगे। बोला कि तुम गाड़ी चलाने सकोगे? बोला हाँ आराम से, अब ठीक हो गया? बोला हाँ ठीक हो गया। तो यही वाला गाड़ी जो हम चलाते हैं, वही वाला गाड़ी से हम लोग, उसका लड़का और हम तीनों हम लोग निकल गए, वही चला के ले गया। जाने के बाद बोला कि थोड़ा मटन खाने का दिल कर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, लिया जाएगा, वहाँ पर कटा था देख रहा है। तो हम बोला ठीक है लिया जाएगा, ले लिए वहाँ, सबके लिए लेंगे तो ज़्यादा करके लिए लेके फिर हम लोग शाम तक घर वापस आ गए। आने के बाद उस दिन हम लोग सब खाए, खाने के बाद फिर दूसरा दिन भी ठीक था। उसके बाद हम लोग वहाँ से लौट के आए चाकुलिया। आने के बाद एक हफ्ता के बाद फिर से पकड़ लिया उसको, फिर तबीयत खराब हो गया। तो वो लोग लेके आया रायरंगपुर में एडमिट कर दिया। उसके बाद हम इधर से गए हॉस्पिटल, जाके वहाँ पर देखा, देखने के बाद वो लोग फिर रेफर कर दिया हम लोग को बारीपादा। वहाँ पर हम देखा कि 2 दिन तक उसको दवाई नहीं दिया, खाली सलाइन चल रहा है। हम बोला सर आप लोग दवाई नहीं देते हैं, ऐसी सलाइन में क्या होगा? तो बोला हम लोग का बस का बाहर है, यहाँ क्या रोग है क्या बीमारी है हम लोग को पता नहीं चलता है, आप एक काम कीजिए इनको ले के जाइए कटक। हम बोला अच्छा 2 दिन हो गया, फिर सरा कटक फिर जाना होगा। फिर हम कटक ले गया उसको, कटक ले जाके वहाँ फिर 2 दिन रहा। 2 दिन में और को भी मालूम नहीं चला कि क्या यह है इसका, तो क्या बीमारी है क्या नहीं है। तो फिर वहाँ से हम लोग को बोला कि तुम लोग भेलोर जाओ। हम बोला उतना पैसा रहेगा तब भेलोर जाएगा? हम बोला जो होगा देखा जाएगा, हम लोग चलिए आपस घर। फिर हम लोग वहाँ से आए, हमको तो मालूम है कि जो हम लोग को कर रहा है, हमको तो पता चल जाता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कैसा ये लोग बीमारी नहीं पकड़ पा रहा। पहले एक ठो तो हम लोग खो दिए, फिर इनको भी खोना पड़ेगा हमको लग रहा है। पहले जो खोया वो इनका मतलब दीदी, दो दीदी का अगला दीदी मतलब, और दो से पिछला वाला उसका लड़का था, वो भी BSF में काम करता था। वो भी जब BSF में वो काम कर रहा था उस टाइम
कितना साल का बात बोलेंगे, वही 2015 का बात होगा। वो 14 में किया था जॉइनिंग, तो ज़्यादा दिन काम नहीं किया था। तो उसके बाद एक ठो उसका भी सिर में एक ठो फोड़ा निकला था यहाँ पर, तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया। बढ़ने के बाद हमको फ़ोन किया, चाचा ऐसा ऐसा बात है मेरा, ये तो बढ़ रहा है, क्या करेंगे। हम बोला ठीक है, तुम टाटा आ जाना, हम यहाँ ऑपरेशन करवा देंगे। तो वो फिर छुट्टी में आया, आने के बाद हम टाटा में उसको करवा दिया ऑपरेशन। तो हम उसको बोले थे कि तुम अभी यहीं टाटा ही में रहो और यहीं से तुम वापस चल जाना, लेकिन गांव मत जाना, गांव जाने से तुम्हारा खतरा होगा, हम बोल दिए थे। तो वो मना नहीं, वो अपना 2 दिन के बाद चला गया। तो जाने के बाद फिर वहाँ का आदमी, गांव का आदमी, देहात का आदमी, सब तो नज़र पड़ते ही है सब चीज़ का। तो फिर वहाँ से फिर चला गया ड्यूटी में। जाने के बाद उसको फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ इधर, ये आपका मुर्शिदाबाद तरफ। तो इधर ट्रांसफ़र हुआ, होने के बाद यहाँ पर उसका फिर बीमारी पकड़ लिया ज़्यादा करके। ऐसा बीमारी पकड़ लिया कि पूरा फूल गया शरीर, तो पूरा फूल गया, पूरा काला हो गया। तो वहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा वो लोग का अच्छा अच्छा डॉक्टर है, अच्छा हॉस्पिटल है BSF वाला, तो वो लोग हार मान लिया। तो हार मानने के बाद उसको 45 दिन का छुट्टी दे दिया कि जाओ तुम अपना घर से इलाज करवा लो, अच्छा होगा तो तुम आना। तो वो आया उधर से ट्रेन से हावड़ा, और हम इधर से उसका भाई और एक ठो साड़ू को हम भेजे कि तुम लोग जाओ हावड़ा स्टेशन और वहाँ से तुम लोग उसको लेके आओ। तो उसके बाद उसको लेके आया, आने के बाद फिर वो लोग डायरेक्ट चला गया वहाँ घर। हम वो लोग को बोला था तुम लोग यहाँ उतार जाना, यहाँ कोकपड़ा में। वो लोग पार हो गया टाटा, टाटा से सीधा रायरामपुर चला गया। तो वहाँ जाके वहाँ तो और ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने के बाद ऐसा उसका मतलब कि जितना ये गांठ सब है ना, ये सब और ये सब पूरा इतना इतना गड्ढा हो गया, पूरा एकदम ये सब हड्डी दिखाई दे रहा था, इतना गड्ढा हो गया। तो उसके बाद हम बोला तुम लोग यहाँ लेके आओ मेरा, यहाँ हम एक बार देखेंगे क्या है कैसा है। उसके बाद यहाँ पर लेके आया कोकपरा में, हम लोग वहीं पर रहता था। तो उसके बाद फिर दवाई ववाई चला, यहाँ दिखाया। तो दिखाने के बाद उसके बाद फिर एक ठो यहाँ हम लोग का गांव में दिखाया। दिखाने के बाद हम सोचा थोड़ा डॉक्टर के पास हम फिर ले जाएंगे, देखते हैं क्या बोलता है। फिर एक ठो सिंह नर्सिंग होम बोल के वो मानगो में है डिमना रोड में, तो वहाँ हम लेके गए। जाके वहाँ पर एक हफ्ता जैसा एडमिट किए, वो भी खून उन भेजा कहाँ बॉम्बे, कहाँ कहाँ वो लोग भेजता है
टेस्टिंग करने के लिए क्या ये है बीमारी है बोल के, फिर खून भेजा तो जाके एक हफ्ता वहाँ रहा तो उसमें पता चला कि कोई इसका बीमारी नहीं है। और कैसा इतना गड्ढा हो रहा है, बीमारी नहीं तो कैसा गड्ढा हो रहा। तो बोला आप लोग एक काम कीजिए, कुबराज लोग को दिखाइए, ये डॉक्टर का बस का बात नहीं है, ये कुबराज लोग से ही ठीक हो होने का रहेगा तो होगा। तो फिर हम लेके आया यहीं कोपड़ा हम लोग का मटूर खान। उसके बाद फिर हम लोग सब ये जुमना भी हम भी मतलब तीन चार आदमी उसके साथ फिर हम लोग निकल गए, गाड़ी भाड़ा करके निकल गए कहाँ है पुरुलिया। पुरुलिया एक ठो तांत्रिक है अच्छा, तो वहाँ पर लेके गए। जाके उसका एक साधक है तो वहाँ पर लेके गया, तो उसको बैठाया वहाँ जहाँ उसका ये मंदिर है वहाँ पर इसको बैठाया। उसके बाद पूरा एक ठो धोती धोती से उसको लपेट दिया। लपेटने के बाद वो ये धुना नहीं होता है, धुना से उसको मारा, आगे लेके धुना से उसको ऐसी ऐसी मार दिया। मारने के बाद उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो थोड़ा ठीक लगा उसको, तो हम लोग फिर वहाँ से लेके आए घर। घर आने के बाद एक हफ्ता जैसा ठीक रहा तो उस टाइम पहुँच रहा था काली पूजा। तो बोला कि अब हमको दिल कर रहा चलिए घर पहुँचाइए, चलने फिरने शक रहा था तो बोला चलिए हमको घर पहुँचाइए। हम बोला अच्छा ठीक है तुमको घर पहुँचाएंगे। तो उसको हम नहीं बोले कि तुमको पुरुलिया ले जा रहे हैं, हम बोला सारा तुमको पुरुलिया में ले जाएंगे, घर थोड़ी हम ले जाएंगे, तुमको वहीं पर ले जाएंगे और वहीं तुमको छोड़ेंगे जब तक तुम ठीक नहीं होगे। तो फिर हम वहाँ पर ले गया उसको। तो जब इधर का रोड हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उसको कैसा पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो तो ऐसे लेटा हुआ है, साला कैसा पता चल रहा है कौन रोड पार हो रहा है। बोला अरे तुम लोग यहाँ घूमने का रहा, तुम लोग कहे नहीं घुमाया वहाँ, हम बोला आगे में घुमाएंगे। तो रो दिया, बोला साला कैसा इसको पता नहीं चल रहा और रोड सब दिखाई दे रहा है, साला कौन रोड पार हो रहा है। तो उसके बाद फिर टाटा जब पहुँचे फिर वहाँ भी तो हम नहीं मुड़े, हमारा सीधा चली है गाड़ी। तो जब टाटा पार हुए इतना जोर से गाड़ी में आवाज़ आया, हम बोला क्या कुछ हो गया क्या गाड़ी, हम ड्राइवर को बोले कि थोड़ा सा रुकिएगा गाड़ी। तो गाड़ी रुका, ड्राइवर उतर कर देखा कुछ तो हुआ नहीं, साला आवाज़ कहाँ से आया। तो हम बोला हाँ चलिए, हम बोला आवाज़ कहाँ से आया, जितना जो ये था भूत प्रेत लोग वो लोग सब बैठा था गाड़ी में, वो लोग उतर गया अब चलिए। तो उसके बाद जाते जाते अगला में एक ठो एक्सीडेंट हुआ है पुलिया का ऊपर में, तो कहाँ से किधर से पार होंगे, सारा बहुत ज़बरदस्त बात है, सारा कैसा करके हम वहाँ पहुँचाएंगे इसको। हम बोला ठीक है, फिर हम उतार के पूछे भाई ये वाला रास्ता किधर से किधर जाएगा, बोला कि यही वाला रास्ता आप लोग सीधा चंडील पहुँच जाओगे वहीं पर निकलेगा। हम बोला ठीक है,
जहाँ आधा घंटा का जगह हम लोग 2 घंटा सही है, फिर भी जाना है। तो फिर हम लोग एकदम पहाड़ी पहाड़ी अंदर से हम लोग गया, जा के किसी तरह वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वो तांत्रिक बोला, अच्छा ठीक है पहुँच गए, अच्छा किए हैं, बोला ऐसा ऐसा बात है। तो उसका भाई और भाभी साथ में था, तो हम बोला तांत्रिक जी इसका इलाज आपका ऊपर है, आप जब तक इसको ठीक नहीं कीजिएगा तब तक यहीं रहेगा, जो भी खर्चा होगा हम देंगे, और ये तीनों आदमी यहाँ रहेगा, आप एक ठो रूम दे दीजिए और थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए, कहाँ से क्या लाएगा, बस इतना ही। तो बोला कोई बात नहीं है, जब आप बोल रहे हैं तो हम सब कर देंगे, आपको चिंता करने का नहीं रहेगा। हम बोला ठीक है। तो उस दिन उन लोग को छोड़ दिए हम। उसके बाद तांत्रिक स्टॉप स्टॉप सब चावल दाल सब ये हांडी डेक्ची सब जुगाड़ कर दिया, वो सब चीज़ दे दिया, ये सब खटिया उटिया सब सब व्यवस्था कर दिया। उसके बाद हम लोग आए, आने के बाद करीब 1 महीना जैसा हो गया वहीं वो लोग रहा। रहने के बाद वो ठीक हो गया, पूरा पूरा अच्छा हो गया, अपने से नहाने गया, फिर अपने से आया, फिर अपने बैठने लगा, उठने लगा, सब चीज़ करने लगा। वो ये भी सूखते गया, जितना घाव था सब सूखते गया। सूखने के बाद हम बोला अब तो ये तो अच्छा हो गया, तो इसका जो भाई और भाभी जो है वो लोग को घर में भेज देना होगा कि काम उम करेगा, और इसका जो माँ बाबा है उन लोग को वहाँ भेज देंगे, वहाँ उसको देखभाल करेंगे। तो उसके बाद फिर उन लोग को हम बुला दिए यहाँ पर। यहाँ पर बुलाने के बाद यहाँ से उन लोग को हम पहुँचा दिए वहाँ, फिर हम लौट के आ गए। 3 दिन का अंदर फिर से और पकड़ लिया, और उस टाइम 2014 का बात है। तो उस टाइम बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हमको फ़ोन किया, तो इलेक्शन का टाइम था, ये विधानसभा इलेक्शन यही 1 अक्टूबर बैठा जैसा था, नवंबर। तो हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग तो यहाँ पर है ये पुरुलिया हॉस्पिटल में, और ज़्यादा सीरियस हो गया, तुम आओ जल्दी। तो हमको फ़ोन मिला 10 बजे जैसा, तो 10-11 बजे ऐसी। तो हम बोला अब कौन ट्रेन से हम जाएंगे, कैसा पहुँचेंगे वहाँ। तो हम स्टेशन यहाँ चाकुलिया गए, मेरा काम तो यहीं चाकुलिया आसपास में होता था। तो हम फिर दौड़ के स्टेशन गए, जाके हम पूछा कौन सा भाई पुरुलिया तरफ ट्रेन मिलेगा, पूछे तो बोला हाँ अभी है ये आपको मिलेगा लाल माटी एक्सप्रेस। हम बोला ठीक है, टिकट काट दिए। 11:30 बजे ट्रेन आया चढ़े, जाके फिर वहाँ 3 बजे तक हम उतर गए पुरुलिया में। 3 बजे उतरने के बाद
हमको पता नहीं है किधर हॉस्पिटल है। फिर एक तो वहाँ ऑटो किए, ऑटो करके हमको पहुँचाया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाके गेट पर सब खड़ा था, तो हम बोला कहाँ पर है, बोला वो 3 मंजिल में है। तो हम बोला कुछ पास उस है, तो बोला एक ही ठू पास है। तो अच्छा हमको बताओ, अब यहाँ अगर 3 मंजिल हम जाएंगे तो आपका उत्तर है कि दक्षिण है, कौन दिशा में है? तो वो लोग बोला कि उत्तर दिशा में है, एकदम लास्ट में देखिएगा। तो हम बोला ठीक है, पास दीजिए, हम जा रहे हैं। तो उन लोग से पास लिए और हम चले गए ऊपर। ऊपर जाके देखा तो पूरा एकदम काला हो गया है, पूरा एकदम चेहरा पता ही नहीं चल रहा कि वो है बोल के, ऐसा चेहरा हो गया है। तो हम देखा कुछ तो बोल नहीं पा रहा, पहचान भी नहीं पा रहा। बोला ये तो बहुत ये सारा झमेला है, चलिए यहाँ यहाँ से हम लोग दूसरा जगह लेके जाएंगे। तो वहाँ का डॉक्टर लोग बोला कि आप लोग यहाँ से बांकुड़ा ले जाइए। तो हम सोचा कि बांकुड़ा थोड़ा उल्टा तरफ हो रहा है, चलिए हम लोग का टाटा TMH में लेके चलते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके फिर हम TMH लेके आए। वहाँ रात को हम लोग एडमिट किए TMH में। एडमिट करने के बाद हम बोला कि तुम लोग देखो, अभी तो हम पैसा वैसा तो जमा कर दिए हैं, तुम लोग खाली इसको देखना कैसा क्या है, हमको फ़ोन करना। तो वो लोग को छोड़ के हम आ गए। आने के बाद ये लोग को दूसरे दिन ये लोग को रिलीज कर दिया और हमको पता ही नहीं और फ़ोन भी नहीं किया ये लोग। फिर ये लोग चला गया कुबराज के पास वहाँ। तो वहाँ कुबराज बोला तुम लोग एक काम करो, हम गाड़ी करवा देते हैं, तुम लोग सीधा इनको घर ले जाइए। वो भी देखा कि अब तो ये रहेगा नहीं। तो वहाँ से उसको गाड़ी करके भेज दिया घर। घर भेजने के बाद हम लोग का जिस रोज यहाँ पर इलेक्शन वोटिंग, मतलब 2014 2 दिसंबर हम लोग का वोटिंग हो रहा है। तो हम तो व्यस्त था वोटिंग में, हम सोचा वो लोग को तो वहाँ एडमिट कर दिए हैं और फोन भी नहीं किया, ठीक होगा। उसके बाद और ऐसा ऐसा वहाँ घर गया है, कहाँ गया है हमको पता नहीं है, वो लोग फोन भी नहीं किया। उसके बाद हम तो वहाँ वोटिंग में व्यस्त थे। तो जब हम अंदर में था, अंदर से जब हम बाहर आए वोट देखे, उसके बाद फोन आ गया कि तुम लोग दोनों चल दिया। हम बोला क्या हो गया? नहीं, बोला ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोला वो जो वोटिंग का जो पैसा वैसा मिलता है ना, तो हम बोला भाई मेरा पास जो है तुम लोग रखो, हम लोग चला, अब ऐसा अर्जेंट काम आ गया है। तो इनको भी बोला जाओ तुम भी देखे आ जाना। तो ये भी गया जाके फिर दिया, देख के हम गाड़ी निकाला, बगैर खाए पिए हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ हम लोग निकले थे 11 बजे, वहाँ हम लोग 3-3:30 बजे पहुँचिए।
पहुंचने के बाद हम लोग देखा कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम लोग बोला कि जहाँ ये लोग ड्यूटी कर रहा था वहाँ पर तुम लोग खबर दिया था? बोला हाँ बोल दिए हैं। तो हम बोला तब ठीक है, तो इसका तो फिर पोस्टमार्टम फिर होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा यही सब। तो फिर हम भी लगाया वहाँ, तो हम लोग बोला कि इसका तो ऐसा ऐसा डेथ हो गया, तो इसका तो पोस्टमार्टम करके हम लोग क्या करेंगे, कोई हम लोग को ज़रूरत नहीं है पोस्टमार्टम करने का। तो बोला ठीक है, आप लोग का जो रीति रिवाज है वो तो है, आप लोग कर दीजिए, उसके बाद हम लोग उसको दफना दिए मिट्टी ये करके। उसके बाद करने के बाद फिर दो हफ्ता के बाद वहाँ से एक आदमी को भेजा, तो हमको फ़ोन से वो लोग बोला कि क्या क्या खर्चा हुआ वो थोड़ा आप रेडी करके रखिएगा। तो हम सब खर्चा वर्चा सब क्या हुआ नहीं हुआ सब हम लिख के रखा था। उसके बाद आया, आके देखा, देखने के बाद वो पेड कर दिया पैसा तुरंत हाथे हाथ पेड हुआ। अच्छा पेड होने के बाद वो बोला तुमको एक काम करना होगा, एक ठो सर्टिफिकेट बनाना होगा हॉस्पिटल से, जो मरा हुआ सर्टिफिकेट एक ठो बनवा लीजिए। तो हम बोला ठीक है। तो ये जो जुमना का भाई है उसको बोला चलिए दोनों हम लोग इसका काम करेंगे, और कोई तो ऐसा इसका भाई भी तो उतना ये नहीं है, हम ही लोग कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग उसका सर्टिफिकेट बनाया हॉस्पिटल जाके, बनवाने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स बोला था पूरा हम लोग सब बना लिए। एक महीना लगा उसको बनाने में, और फिर वो लोग फ़ोन कर रहा है कितना प्रोग्रेस हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसके बाद सब चीज़ जब ये कर दिए करीब हम लोग को डेढ़ दो महीना लग गया पूरा कागज़ बनाने में। उसके बाद बोला उसका पिताजी, उसका तो नॉमिनी नहीं था, शादी ब्याह तो किया नहीं था, तो नॉमिनी कौन रहेगा उसका पिताजी, तो उसका पिताजी का भी फिर एक ठो अकाउंट खुलवा दो, उसके बाद उसका जेरोक्स दीजिएगा। तो उसका पिताजी का अकाउंट जेरोक्स फिर उसका फोटो सब बोला कि आप लोग भेज दीजिए वहाँ से मेल में। फिर वहाँ से मेल में हम लोग भेज दिए वहाँ वो लोग का ऑफिस। भेजने के बाद ज़्यादा लेट नहीं किया वो लोग, इतना जल्दी काम हुआ। उसके बाद मतलब कि उसका उसका पिताजी का अकाउंट में आ गया 10 लाख रुपया, मतलब एक महीना के अंदर में 10 लाख रुपया आया। उसके बाद इसका मतलब 5,000 करके मंथली पेमेंट इसका आने लगे। तो जब उसका हम लोग काम करते गए उसी टाइम कुछ दिन के बाद मेरा साला का तबीयत गड़बड़ा गया। वही सब नज़र हुआ कि यही इसी का चलते ये लोग को फिर पैसा इतना मिला, फिर मंथली इतना पैसा आएगा उसका। तो उसी में इसका हो गया मतलब तबीयत खराब।
जब पहला हम लोग आए तो उस टाइम तो वहाँ एक ही साथ सब परिवार हम लोग थे, तो वहाँ मतलब कि ये तो उतना घर का काम उतना कर नहीं पाता था पहले। तो उसके बाद मेरा जो बहन लोग था वो लोग थोड़ा बहुत बोलते रहती है, तो ये चुपचाप सुन के कुछ नहीं बोलती है कि कुछ जवाब दे। उसके बाद फिर शाम को जाते हैं तो बोलता है कि ऐसा ऐसा आपका बहन लोग बोलता है तो क्या करना होगा। तो हम बोला ठीक है, दो दिन ठहरिए, उसके बाद उपाय होगा। उसके बाद फिर बोला कि नहीं, साथ में जाएंगे काम में, तो हमको भूलने नहीं पाएगा कोई, साथ में रहेंगे, साथ में जाएंगे। हम बोला ऐसा तो साथ में जाने से कोई हर्ज नहीं है, चलिए साथ में। तो दोनों हम लोग निकल जाते थे, और इधर जंगल का भी काम होता है और इधर हम लोग का भी काम होता है। वैसा बात नहीं कि जंगल हम लोग नहीं देखते हैं, सब तरफ से हम लोग स्पोर्ट था। तो उसके बाद ज़्यादा आदमी में थोड़ा ज़्यादा बातचीत होता है, घर में घर का मैटर थोड़ा अलग होता है, और गांव का बाहर का आदमी से बात अलग होता है मैटर। तो इसीलिए बोला कि अच्छा ठीक है, हम लोग का जगह है ये रोड किनारे, वहाँ पर हम लोग दो ठो रूम बनाते हैं। हम पिताजी से भी नहीं पूछे, ना माँ से पूछे, ना किसी से पूछे, हम अपना मन से हम आके वहाँ पर तीन चार ठो लेबर लगा दिए, दागे उगे लगा दिए, गड्ढा करवा दिए। तो बोला कि कहाँ का मिट्टी से कीजिएगा, तो हम बोला ये पीछे जो मिट्टी है वहाँ पर तुम लोग गड्ढा कीजिए, और वहीं का मिट्टी भिगा के तुम लोग दीवार दे दीजिए, दो ठो रूम। उसके बाद दो ठो रूम वो लोग तैयार कर दिया। हम लोग तो इधर काम में आते हैं, वहाँ वो लोग जो करता है काम। फिर शाम को हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि इतना ऊंचा हो गया। उसके बाद धीरे 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 पूरा होते गया। कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग रोला ओला का जरूरत पड़ा, तो हम लोग सोचा यहाँ तो हम लोग रख रहे हैं सारा रोला, तो हम लोग अगर लेंगे तो सब आदमी से काटने लगेगा। तो ये काम करते हैं, कोई किसी का मतलब अपना ज़मीन में जो गाछ सब है वो लोग से हम लोग लेंगे रायत से। उसके बाद हम लोग खोजते खोजते मिल गए, तो रायत से हम लोग उस टाइम सस्ता था, 15-20 रुपया पीस उस टाइम था, तो हम लोग लिए कम से कम 50 ठो। 50 ठो लेने के बाद उसी को ही हम बोले कि भाई आपका गाड़ी में पहुंचा दीजिएगा, तो वही पहुंचा के फिर उसका अलग मिस्त्री फिर लगाना पड़ा, वो फिटिंग उटिंग किया। उसके बाद फिर टाइल्स लाना होगा, टाली ऊपर का छावनी में, फिर उनके पास गया टाली वाला के पास, तो वो हमको उस टाइम एक एक ठो टाली का दाम था 2.5 रुपया पीस। तो
तो हम बोला भाई हमको कम से कम 1500-2000 टाली चाहिए। तो बोला ठीक है भाई इतना पैसा लगेगा। हम बोला ठीक है भाई आप पहुंचा दीजिएगा कोई गाड़ी उड़ी से। हम घर से कुछ नहीं बोले कि गाड़ी दीजिए क्या दीजिए, हम कुछ नहीं बोले। तो उसके बाद वो पहुंचा दिया। उसके बाद फिर दरवाज़ा बनाना है। पहले हम एक ही साथ रहने के बावजूद एक ठो आम का पेड़ लिए थे, बहुत बड़ा पेड़, उसका हम पाटा चिराया थे दरवाज़ा के लिए। तो वहाँ तो पूरा दरवाज़ा हो गया था पुराना घर में, तो फिर कुछ पाटा बचा था उसका हम दो ठो दरवाज़ा यहाँ बनवा दिए ये नया घर में। दरवाज़ा बनाया तो ये तो बहुत खुश है, बोला अब तो हम यहाँ से अलग रहेंगे। हम बोला चलिए भाई अलग तो अलग ही हो जाए, क्या बात है, कमाएगा खाएगा उसमें क्या है। उसके बाद सब चीज़ हो गया। होने के बाद उस टाइम इतना ये सब नहीं था, जो अलंक पलंक ये सब कुछ नहीं था, खटिया था सिर्फ। वो वाला खटिया अभी भी है वो घर में, जो खटिया पहले लिया था वो है ही है अभी भी। तो पूजा पाठ करवाना होगा फिर, जब यहाँ बसेगा तो पूजा पाठ तो करना ही होगा। फिर पंडित को बुला के पूजा पाठ करवा लिए। उस टाइम सबको बुला दिए, पूरा परिवार को, आप लोग आइए सब बैठिए खाना खाइए। उसके बाद सब आया और पूजा वूजा हो गया। होने के बाद हम लोग रहने लगा यहाँ। तो रहने लगा, रहने के बाद दो ठो रूम में मन नहीं लगा, बोला और बढ़ाएंगे। तो दो ठो रूम जब हो गया तो बोला अच्छा अंधेरा में हम लोग कैसा रहेंगे, थोड़ा लाइट का प्रबंध हो जाए। हम बोला हम लोग का जगह में ट्रांसफार्मर है, सारा वहीं से खींच लेता है, जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद एक एप्लीकेशन हम दिए इलेक्ट्रिक ऑफिस में, देखे हमको 5 रुपया का एक तो 4G दिया कनेक्शन करने के लिए। अच्छा 5 रुपया का 4G लेके हम चला गया। जाके एक ठो जो माँ का बड़ी माँ जो होता है बहन उसका, तो उसका लड़का इलेक्ट्रीशियन था, तो उसको हम बुला दिए। वो लोग अभी भी खड़गपुर में है, तो उसको हम बुला दिए, भाई थोड़ा आइए ना, थोड़ा कनेक्शन करवा दीजिएगा, आप तो इलेक्ट्रीशियन है सर, आप तो ये रेलवे का सब आप लोग करते हैं, लाइन जुड़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मेरा थोड़ा कर दीजिए ना। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम छुट्टी में आएंगे कर देंगे। तो आया, आके हम लोग उस दिन घर में थे, काम में नहीं गए। बोला आज तो लगाना है, वो आएगा तो लगा दिया जाएगा। तो आया, आके हमको पूरा इतना लंबा तार लाना है, ये लाना है वो लाना है, मतलब होल्डर होल्डर सब ये सब लेके आए। उसके बाद वो वहाँ ये जम्पर ठू को नीचे किया, उसके बाद चढ़ गया। चढ़ने के बाद वो लगा दिया तार ठू, लगाने के बाद पूरा उतर गया। उतरने के बाद फिर जम्पर ठू को उठा दिया, उठाने के बाद फ्यूज ठू उड़ गया वहाँ का ट्रांसफार्मर का।
ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया तो पूरा सबका ये हो गया, बंद हो गया। तो बंद होने के बाद ये बोला अच्छा ठीक है, वो थोड़ा लेता था ड्रिंक, तो बोला आप एक काम कीजिए, आप लोग बैठिए। तो उसका ये मोटरसाइकिल था, वो स्टार्ट करके चल दिया पुराना घर, वहाँ मेरा पिताजी और ये दोनों खूब दोस्ती है वो लोग ये में। तो हाँ बोलेगा हम चाचा के पास जा रहे हैं, बोला अब तो तुम सारा लगाएगा नहीं, नहीं नहीं हम तुरंत आ जाएंगे वहाँ से। तो गया मोटरसाइकिल लेके, अच्छा उसका एक ठो लड़की था, तो वो और हम और ये जुमना हम लोग वहीं पर घर में बैठे हैं। तब तक देखते हैं चारों तरफ से आदमी आ गया, पूरा गांव का आ गया। उसके बाद पूरा हल्ला गुल्ला चल रहा है, किसको बोल के तुम लोग ये तार खींच रहा है। तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसके बाद पूरा हल्ला गुल्ला चल रहा है, तो तार को हटाइए और नहीं तो हम लोग हटा देते हैं, काट देते हैं, ऐसी बोल रहा था। तो तब तक वो आ गया, हम बोला भाई थोड़ा ठीक कर दीजिए, सबका ये लाइन ऑफ हो गया है, ठीक कर दीजिए। अच्छा बोला ठीक है हम कर देते हैं। तो एक आदमी उसका मोटरसाइकिल लेके ठेल के जा रहा था, हम बोला भाई गाड़ी मत छुइए, ये ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये निकाल के आ गया, बोला कोई माई का लाल है तो यहाँ पर गाड़ी लेके जाइए, और गाड़ी अगर हम आपस नहीं ले सकेंगे तो मेरा नाम जुमुना टुडू नहीं है, वो भी बोल दिया। उसके बाद हमको भी गुस्सा चढ़ गया, उसके बाद पूरा हंगामा हो गया। उसके बाद पूरा ये तो एकदम पूरा डांटने लगी, तो पूरा डांटने जब लगी सब आदमी तो देखते रह गया, उस दिन का जो सीन था सब आदमी वहाँ पर देखते रह गया। तो उसके बाद वो लोग तार खुलने बोला था तो सब जुड़ने लग गया, तार को ठीक से फिर जुड़ा गया। वैसे करके हम लोग तार ले लिए, लाइन हो गया। उसके बाद गांव वालों ने कुछ हंगामा किया था, हाँ मतलब कि कुछ ऐसा आदमी है सबको भड़का देता है, गांव में एक एक ठो आदमी रहता है भड़काने वाला, सबको भड़का दे के आदमी से लड़ाई करवा देता है, और हम लोग तो पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग बोला कि देखिए हम लोग का ज़मीन में सब है, अभी अगर हम लोग चाहेंगे यहाँ से हम लोग काट के फेंक देगा, कोई किसी का ना रहेगा, बांस रहेगा ना बांसुरी बाजेगा, इसको हम लोग हटा सकते हैं, हम लोग का जगह पर है, और हम लोग अगर नहीं जलाएंगे तो कौन जलाएगा तुम लोग। बहुत कुछ हुआ था उस दिन, इतना ही गाली दिया ना उस दिन से इसको डरता है उसी दिन से। तो उसके बाद वो तो हो गया, फिर रहने लगा उसका छत पे भी कुछ तीर कमान लेके खड़े थे। हाँ उस टाइम, हाँ नहीं वो तो दूसरा मिटार में, ये मिटार में नहीं है और दूसरा मिटार था। जब हम लोग तो सुबह निकल जाते हैं काम पर, फिर जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ गांव में हम लोग का जो टोला है वहाँ सब हम लोग का एक ही है, हम लोग जो बोलेगा वो लोग करेगा, वहाँ का तो ठीक है, जहाँ पर हम लोग घर बनाया था उस टोला का थोड़ा सा अलग था। तो उसके बाद जब कुछ दिन हुआ होने के बाद फिर हम लोग चारों तरफ घर बना दिए,
चारों तरफ घर बनाने के बाद पूरा साफ सफाई हो रहा था, तो उस टाइम हम लोग का यहाँ बीजेपी का विधायक था, तो उनसे आग्रह किए थे कि एक ठो चापाकल हमको दे दीजिए, काहे बहुत दूर में कुआं है, पानी लाने में हम लोग को दिक्कत होता है, रात आते हैं वहाँ से पानी लाना पड़ता है। तो बोला ठीक है, हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग उस टाइम यहाँ पर एक ठो स्कूल भवन बना रहा था, ये जो आई थी इसी का घर का बगल में कैसा खुलिया में, तो वहीं पर हम थे, हम लोग दोनों ही थे। तो उस दिन एक ठो मेरा लेबर को वहीं पर घर में था, मतलब कुछ काम करने के लिए छोड़ दिए थे। तो वो फिर साइकिल से आया, उस टाइम तो हम लोग का गाड़ी घोड़ा नहीं था, वही साइकिल। तो आया, आके हमको बोलता है वो मशीन आ गया है, कहाँ पर वो लोग बोरिंग करेगा पानी के लिए, तो तुम्हारा नाम वो लोग कर रहा। तो हम बोला ठीक है चलिए। तो तब तक ये लोग कम से कम 80 फीट जैसा घुसा दिया है, तो जगह तो सही जगह था, थोड़ा अंदर करके घुसा दिया। हम बोला अब तो हो गया और हम क्या बताएंगे, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर तरफ करने से ठीक था, ऊपर तरफ करने से ठीक था। तो बोला अब तो भाई इतना फुट चला गया, अब तो होगा नहीं। हम बोला आप लोग अगर कर रहे हैं कम से कम हमको जब तक अच्छा पानी नहीं मिलेगा तब तक आप लोग कटिएगा। तो बोला ठीक है। तो वो लोग पूरा काट दिया, कम से कम 180 फीट काट दिया डीप, तो पानी भी अच्छा निकलने चालू हो गया, खाली पत्थर है, पत्थर है, कोई ये नहीं है। हम बोला यही तो पत्थर वाला पानी तो अच्छा होता है, तो ठीक है छोड़ दीजिए, बस उतना ही रहने दीजिए। उसके बाद जब ऊपर वाला जो मशीन थो वो लोग लगाने गया, पाइप वाइप लेके गया, लगा दिया। लगाने के बाद उसको थोड़ा बहुत जाम कर दिया। जाम करने के बाद तो वो तो जल्दी में टाइट नहीं होगा, आज जाम कर देगा, आज हिलाते रहिएगा तो वो तो टाइट नहीं लगेगा। तो उसके बाद तो इसका दीदी घर में काम करती थी, तो उस टाइम वहाँ पर एक ठो क्रियाक्रम का घर हो रहा था, उन लोग आके 2-3 आदमी से हिला रहा था। तो बोला आज वो लोग जाम किया है और तुम लोग इतना 3-4 आदमी लेके तुम लोग हिला रहा, ये तो उखाड़ जाएगा, वही खाली बात बोला था। उसके बाद सब आके उसको गाली उली दिया, देने के बाद वो लोग चला गया। जब शाम को हम लोग काम करके घर पहुँचे तो दीदी ने बोली कि ऐसा ऐसा बात है, वो लोग आया था हमको गाली गलौज कर रहा था। तो ये बोले कि चलिए, तो वहाँ पर जहाँ पर ये क्रियाक्रम का घर हो रहा है वहाँ पर हम लोग गए, जाके बोला कि आप लोग काहे गाली दिए, वहाँ पर जाके गाली नहीं देना चाहिए, जब एक ठो मेहमान आया है बोला तो अच्छा के लिए बोला कि खराब करने के लिए बोला, अच्छा बात बोला है। तो ये लोग बोला कि नहीं हम लोग लेंगे, कौन मना करेगा। तो बोला ठीक है आप लोग ले सकते हैं तो लीजिए, आप लोग का अगर दम है तो, ये बोल दिया। उसके बाद हम लोग आए घर, घर आके पूरा जितना लेडीज था सब डेक्ची फेक्ची सब लेके आ गया और फिर हिलाना चालू स्टार्ट। उसके बाद हम बोला तुम जाओ,
हम इधर खड़ा है दरवाज़ा पर, तुम जाके उन लोग को मना करो, क्या वो लोग बोल रहे हैं। तो ये गया जाके बोला, तुम लोग इतना आदमी से काहे हिला रहा है, ये आज ये लोग बैठा दिया है, ये तो खराब हो जाएगा। बोला तुम्हारा माना से हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग हिलाएंगे और पानी लेके जाएंगे। अरे पानी तो ले जाना है, लेकिन खराब होगा ना जब आज इसको बैठा दिया है, आज इतना आदमी से तुम लोग हिला रहा तो खराब नहीं होगा। इतना ही बात बोला तो इसको पीछे तरफ बाल में पकड़ लिया, लेडीज लोग बाल में पकड़ के, वो लोग तो ज़्यादा आदमी है, ये तो अकेले ही है, तो मेरा गुस्सा भी चढ़ गया। तो चढ़ने के बाद एक ठो पाइप का कम से कम इतना लंबा अभी भी है घर में, उसको एसी करके हम पकड़ा था, पीछे में हम एसी करके पकड़ा था। तो मेरा जब गुस्सा चढ़ गया, हम जाके सब तो एसी हुआ है, सब तो एसी करके माथा टको नीचे करके रखा है, जाके एसी एकदम पीछे सबको मारा, एक एक वो पाइप सारा सब भाग गया, इसको छोड़ छाड़ के सब भागे। तो उधर से जाके खूब बोल रहा था, अब ये लोग को हम लोग मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पूरा गाली गलौज कर रहा। हम लोग चुपचाप है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, सारा हम लोग बोल रहे हैं कि आने दीजिए, किधर से किसको मार रहा। उसके बाद ये बोला, तुम तीर कमान लेके तुम ऊपर चल जाना, ये टाली का ऊपर में चुप से तुम ऊपर से देखना, अगर कोई आएगा दे देना उसको। तो हम बोला ठीक है, वो तो एक तीर मार देने से तो वहीं लड़क जाएगा। तो मेरा भी खूब गुस्सा हो गया था। उसके बाद चढ़ के देखा, कोई और सांटा नहीं, सब डर के चला गया। चलने के बाद वो लोग बोल रहा है, हम लोग तुम लोग को देख लेंगे। बोला अरे हम लोग तो डेली आना जाना करते हैं, आप लोग से तो डेली भेंट होता है, और कैसा दिखिएगा, देखना है तो आके देखिए। उसके बाद ये पंचायत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खूब वो लोग बोला, और कुछ नहीं किया, ना पंचायत हुआ ना कुछ हुआ, सब समेट गया। अब अभी हम लोग छोड़ के अब किसी को नहीं जानता है कि हम लोग का काम कौन करेगा। इसीलिए कल रात को जिसका घर में क्रियाक्रम हो रहा था उसी का पेट फूल रहा था कल आज ये रात को, गया रात को, ये जो गया रात को पेट फूल रहा, डॉक्टर नहीं ले रहा हॉस्पिटल में। तो उस टाइम हम लोग को फ़ोन कर रहा कि उपाय बताइए क्या करना है। तो पहले का, हाँ अभी का बात है, पहले का बात याद करने से तो हम लोग को थोड़ा ये लगता है, तभी भी वो बात छोड़िए, अब अच्छा काम के लिए बोल रहा है जब उसको करना चाहिए। इसीलिए हम लोग फ़ोन से वो लोग को बोल दिए कि वो हॉस्पिटल ले जाइए टाटा में, आप लोग वहाँ पर एडमिट कर दीजिए, अगर कुछ बोलेगा तुम लोग हम लोग को फ़ोन करके बोलिएगा और उनको पकड़ा दीजिएगा, हम लोग बोल देंगे। इसीलिए हम लोग साथे में रहते हैं, साथ में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम लोग साथ में रहते हैं। और कोई ऐसी बात दीदी बताओ, अच्छी दीदी को क्या क्या पसंद है ये बताओ। वो तो बहुत पसंद है उसका, जब हम लोग इधर से काम करके जा रहे थे रात को, तो उस टाइम उधर से एक ठो इंजीनियर आ रहा था मुसाबोनी तरफ से रात को, वो भी
ये जो मकर संक्रांति नहीं होता है उसी टाइम, उसका आगे दिन, काल मकर संक्रांति है, आज वो भी आ रहा था और हम लोग भी इधर से जा रहा था। बीच रास्ता में उस टाइम तो ऐसा रिलीफ नहीं था, ये सब उबड़ खाबड़ बहुत गड्ढा गुड्ढी रास्ता था। अगर यहाँ चाकुलिया से हम लोग का वहाँ मुटुरखाम तक जाइएगा, कम से कम आपको साइकिल में 1.5 घंटा लगता था, इतना खराब रास्ता था। और उसी में हम लोग डबल आना जाना करता था साइकिल में, तो वो आदमी जो उधर से जब मोटरसाइकिल से आ रहा था, पता नहीं कैसा करके वहाँ पर स्लिप करके गिर गया, पूरा उसका एकदम खूना खून हो गया है। उसके बाद इतना आदमी पार हो रहा, कोई देखने वाला नहीं है, तो ये बोला रुकिए रुकिए, तो हम बोला अच्छा ठीक है रुकते हैं। तो रुक के देखा कि साला ये आदमी तो अभी जिंदा है, मरा तो नहीं है। तो उसके बाद हम लोग का वहाँ गांव का एक ठो गाड़ी था, तो उसको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद वो आ गया गाड़ी लेके, गाड़ी लेके आ गया। तब तक हम लोग जब खड़ा हो गया, बहुत आदमी आया, आने के बाद उसको उठाया, उठाने के बाद गाड़ी में हम लोग बैठा दिए। बैठाने के बाद उसको गाड़ी वाला को हम लोग बोले इसको पहले चिकित्सा करवा लीजिए हॉस्पिटल में, उसके बाद इसको घर पहुंचा दीजिए, तो अगर जितना भी पैसा वैसा लगेगा हम लोग कल बीआर करेंगे देंगे, आपका भी भाड़ा अगर देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा वो भी ठीक है, तुम इसको पहुंचा के तुम आना, और भाड़ा अगर नहीं दिया है तो हम लोग से लेना। तो बोला ठीक है। तो उसके बाद फिर वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया, करवाने के बाद फिर वहाँ पहुँचाया, और उसका मोटरसाइकिल को वो सामने गांव था वहाँ पर लेकर रख दिया। हम बोला इसको लेके जाएगा। तब तक दो आदमी पहुँचिए वही लोग का गांव का, हम लोग फ़ोन किया था तो वो लोग पहुँचिए। पहुँचने के बाद गाड़ी उड़ी देखा, हम बोला देखिए भाई गाड़ी स्टार्ट करके देख लीजिए, अगर चलने लायक होगा तो आप लोग लेते जाइए, और नहीं तो यहाँ पर ठेल के रख दीजिएगा। तो स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया, उसके बाद गाड़ी को साथे में वो लोग भी चला और ये लोग भी चला, उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया, उसके बाद घर पहुँचाया, उसके बाद उसको भी पैसा दिया। उसके बाद जब एक हफ्ता कि दो हफ्ता के बाद वो बोला कि हमको कौन था जो हमको यहाँ पर पहुँचाया और घर पहुँचाया, ट्रीटमेंट करवाया, कौन था? तो बोला कि नहीं, मुटुरखाम का जमुना टुडू है ना, जो मिस्त्री का काम करती है, वही आपको भेजा था। तो पता लग गया, तो वो बोला कि हम जाके उसका पैर पकड़ेंगे और उसको हम क्या देंगे नहीं देंगे वो तो बात का बात है, मेरा जान बचाया है और हम ये घर तक हमको पहुंचा दिया है। तो मदद करना पसंद। हाँ, कोई किसी का अगर कुछ हो जाएगा इसको मदद करने में आगे है, अपना है चाहे नहीं है लेकिन दूसरों को मदद करने के लिए आगे रहता है। राम मिलाए जोड़ी वैसा तो ये है।
आई लव यू बोले हो कभी दीदी को? डालो हां आई लव यू बोले हो कभी दीदी को? दीदी को भी बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सर बोला तुमने? हां तो वो तो देखिए साथ में अगर रहेगा तो प्यार तो करना जरूरी है। काम को देख के भी अच्छा लगता है कि उनका जो काम रहता है कि हर इंसान हर किसी का मदद करना अच्छा जब लगता है तो हमको भी बहुत खुश लगता है उन्हें देख के। हाँ ऐसी तो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ वो तो हम तो एनी टाइम बोलते रहते हैं कि और अच्छा काम कीजिए, जो मदद चाहिए हम तो है ही है, आगे जो करना है हम है, पीछे मुड़ना नहीं है। और हम लोग जो काम करते हैं जो भी, हम लोग को तो पता नहीं चलता है कि वहाँ सम्मान मिलेगा यहाँ सम्मान मिलेगा, सम्मान के लिए हम लोग काम नहीं किए। आदमी और जल जंगल, अगर जंगल और पेड़ रहेगा तो हम लोग का जान भी रहेगा, और जितना भी हम लोग का इस धरती में जीव जंतु है सब पेड़ पौधा से ही बचा है। अगर पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो हम लोग का जान भी नहीं रहेगा, इसीलिए हाँ इसीलिए हम बोला कि चलिए हम लोग जंगल बचाने का मुहिम छेड़ते हैं और पूरा विश्व में इसको दिखा देंगे कि पेड़ पौधा कैसा बचाना है। आप बोले कि साड़ी उड़ी की बात कपड़ा का बात, तो हम तो कभी हम कपड़ा साड़ी चाहे कुछ भी हो सामान के बारे में हम कभी भी नहीं बोले हैं कि वो वाला मत लीजिए ये वाला मत लीजिए, और अपने से तो हम कभी भी हम नहीं लिए हैं कि हम खरीद के दें, लेकिन उसी का पसंद से वो जो भी पसंद करे जितना भी पैसा लगे हम कभी भी मना नहीं करते हैं, चाहे 10,000 का हो चाहे 5,000 का हो चाहे 200 का। तो आप भी देना चाहोगे साड़ी? उन्होंने तो बहुत खरीद ली, आप देना चाहोगे? अभी तो हम देखिए कपड़ा लत्ता ये सब बर्तन उर्तन ये सब जितना भी घर का चीज होता है उसी का चॉइस से ही सब चीज होता है, मॉडलिंग हुआ ये हुआ वो हुआ डिजाइन हुआ सब उसी का ये सब, बिल्डिंग का भी वही सब चीज बता देता है कि ये वाला यहाँ रूम होगा वो वाला वहाँ रूम होगा, इधर ये वाला होगा वो वाला होगा, यहाँ ऐसी डिजाइन होगा वहाँ ऐसी डिजाइन होगा, तो करना पड़ता है। हाँ जैसा वो बोलेंगे वैसी करना होगा।
इसीलिए ज़्यादा बोलने से तो फिर लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा क्या कीजिएगा, क्या है बोलेंगे भाई उसमें। हाँ कभी आपने शराब बड़ा पिए? हाँ शराब बढ़िया नहीं नहीं, जब से शादी हुआ तब से वो सब हम छोड़ दिए। पहले बहुत पीते थे, ऐसा बात नहीं था। हम जैसा पिए शायद कोई ऐसा नहीं पिया होगा, और पी के हम गिरा नहीं कभी। अब यहाँ पर कम से कम 5-6 बोतल पी लेंगे, उसके बाद यहाँ से हमको जाना है मोटूर खान साइकिल से। उस टाइम तो साइकिल था, कैसा जाएंगे कैसा नहीं जाएंगे वो मेरा दिमाग में रहेगा। तुम जितना भी पिलाइए लेकिन हमको गिराने नहीं सकोगे। हाँ जब पी के अगर हमको पी गया तब तो पीना बेकार है, जब हम पी रहा तो उसको पीना है और पी के उसको हजम करना है। अगर वही आपको पी गया तो आप तो लुढ़क गया। पीने का मकसद यही होता है। हाँ ऐसी तो जब शादी होता है ना, जब सिंदरादान हो गया, हम लोग का जो रीति रिवाज होता है सिंदरादान जब हो जाता है उसके बाद तो 5 दफे घुमाएगा नचाएगा। सबको पकार के 5 दफे घुमाने के बाद उसके बाद अंदर ले जाएगा। अकेले में नाचो कभी दीदी के साथ? आप जब नहाने जाते थे नदी में तब नदी में कभी नहाने गए आप? हाँ तो हम लोग जब हम लोग को तो काम करना है, रात को हम लोग इधर से काम छुट्टी करके घर पहुंचते पहुंचते हम लोग का 9-10 बज जाता है। जब हम लोग सब परिवार एक साथ था तो खाना वाना तो मिल जाता था, उसके बाद फिर सुबह रहे हम लोग तो ऐसी आ जाते हैं। जब सुबह रहे आने का पहले 2 बजे रात को, 10 बजे सोएंगे 2 बजे उठेंगे, दोनों 2 बजे उठेंगे। उस टाइम तो ना नल था ना कुछ था, ना कुआं कुछ नहीं था, जाना होगा नदी। दोनों रात को हम लोग निकल जाते थे 2 बजे, दोनों जाके नहा हो के आएंगे, फिर रेडी होएंगे। रेडी होने के बाद हम लोग साइकिल पकड़ेंगे चल दिया। 6 बजता था यहाँ चाकुलिया में, ये मोड़ में, यहाँ पर हम लोग नाश्ता करेंगे उसके बाद काम में जाएंगे। 2 बजे? हाँ 2 बजे रात को हम लोग नहाते थे हमेशा का? नहीं उस टाइम, हाँ उस टाइम। अभी तो धीरे धीरे चेंजिंग हो गया, नहीं तो हम लोग मतलब इधर से जाने का टाइम भी नहाते हैं, फिर आने का फिर 2 बजे रात को नहाओ। ऐसा हुआ कभी महिलाओं को घुसने कोई
इधर उधर के लोगों ने ताकते हों छिड़ते हों, ये तो महिलाएं नहाती ना उसको नदी में, ऐसी कोई घटना हुई है कभी? आदिवासी महिलाओं पर नजर रहती है लोगों की कि वो नहा रही हैं कहीं ऐसे? नहीं, इस सामने में तो वैसा नहीं देखे हैं। तभी से इसको मतलब तभी से इनको देखने से सब डरता था। कोई भी गलत कर रहा है तो बोलेगा वो आ रहा है तो वो छिप जाता था। हाँ हाँ, मतलब गुस्सा से नहीं बोलता है ना, ऐसा पॉइंट से बोल देगा कि उसको लग जाएगा। हम लोग तो ऐसी बड़ा शादी तो नहीं किए हैं, हम लोग तो आपस में मिले थे। और हम लोग का शादी में जो देखभाल करके जैसा शादी होता है, तो यहाँ से बारात जाएगी वहाँ, फिर वहाँ से लेके आने तक उसका माहौल अलग होता है। और हम लोग का माहौल थोड़ा अलग था। हम लोग का माहौल में मतलब उधर का उसका बाप घर का आएगा और यहाँ का जितना गांव का सब रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वो चकड़ा बोलता है ना, हाँ उसको हम दिखाएंगे कौन सा क्या होता है नहीं होता है। उसको बिछाएगा। अच्छा, उसके बाद जो ये नहीं होता है हल्दी, उसको चुनेगा, हल्दी को चुनता है। उसके बाद उसको माने बांटेगा। बांटने के बाद तेल देगा और वो हल्दी, और जितना भी वो तो कपड़ा उपड़ा लगता है सब हल्दी रंग का होता है। हल्दी से डुबा के उसको फिर सुखाता है, हल्दी रंग, हाँ हल्दी रंग होता है। सादा कपड़ा, हाँ सादा कपड़ा को लेता है, धोती हुआ साड़ी हुआ सब सादा। उसके बाद वहाँ पर हल्दी में डुबाएगा, डुबाने के बाद पूरा सुखाएगा। सुबह से वो लोग का काम वही रहेगा, शाम तक सूखना चाहिए, तब ना सब ये उसको मतलब कि यूज करेगा, सबको देना पड़ेगा। वो लोग फिर उससे उसको पहनेगा, पहनने के बाद शाम को फिर वही ये चटाई ये वाला खजूर जैसा होता है, कीता बोलता है, लंबा लंबा ये होता है उसका, उसको दिखाएंगे आप लोग को वहाँ पर घर जाने से। तो वो बिछाएगा, उसके बाद पांच जोड़ा को वहाँ पर बैठा के हल्दी और तेल
वो लोग को मतलब ये करेगा, मतलब लगा देगा। हाँ पांच जोड़ा। हाँ नहीं, पांचों का उसको ये करेगा, रीति रिवाज है। बुढ़ा हो चाहे कुछ भी हो, जोड़ा रहना चाहिए, वो लोग भी दोनों। तो वो लोग को पहले होगा, उसके बाद हम लोग का होगा। पांच जोड़ा होने के बाद हम लोग का होगा। हम लोग भी, हम लोग को भी वैसे ही करेगा, पूरा हल्दी मखाएगा, ये सब में भी, ये हाथ पैर सब में, फिर ये सब में भी। उसके बाद तो फिर जब देखा देखी वाला शादी में वो डोली होता है, इसमें डोली नहीं होता है। तो दो ठो बुढ़ा बुढ़ी रहेगा, वो लोग भी। तो बुढ़ा के साथ हम रहेंगे, बुढ़ी के साथ वो रहेगी। उसके बाद वहाँ पर पांच दफे घुमाएगा, पहले एसी घुमाने के बाद एक ठो गमछी नहीं होता है, गमछी को एसी करके वो लोग ये करेगा, आड़ करेगा, उसको उधर खड़ा कर देगा, हमको इधर खड़ा करेगा। उसके बाद वहाँ पर सिंदरादान होगा। हाँ पांच बार, हाँ ऐसी ये, हाँ ऐसी जाते जाते, मतलब जैसा यहाँ पर हम लोग का ये अंगना है, अंगना में उधर से जब घर से हम लोग निकले तो अंगना में हम लोग को घुमाएगा। अंगना चाहे ऐसी ये हम लोग का जो ये रोड होता है, घर का रोड में भी होता है, वहाँ पर भी घुमाता है। घुमाने के बाद वहाँ पर सिंदरादान होता है, सबका सामने में। सिंदरादान होने के बाद लोहा का खाड़ू होता है, उसको फिर बायां हाथ में पहना देने का। बायां हाथ में पहना मतलब वो खाड़ू में भी आपका जो सिंदूर है, वही सिंदूर से पहले उसको तीन बार उसमें लगाना पड़ता है, वो खाड़ू में, लोहा का खाड़ू में तीन बार लगाने के बाद उसको पहना दिए। उसको ऐसे टान के, वो तो ऐसे रहता है, इसको टान के ऐसे बड़ा कर देना होगा, बड़ा करके उसको पहना के फिर उसको सटा देना होगा, पूरा सटाने के बाद फिर उसको सिंदरादान कर देना होगा। सिंदरादान हो गया, होने के बाद अब इसका कपड़ा उसका कपड़ा अब बांध देगा वो लोग, इसका कपड़ा उसका कपड़ा बांध देने के बाद फिर पांच बार फिर वो लोग के साथ नाचो। हाँ फिर पांच बार नाचने के बाद फिर अंदर ले जाएगा। ले जाने के बाद वहाँ पर जो हमसे जो छूटा रहेगा वो लोग वो वाला खोल देगा। वो जो इसका कपड़ा उसका कपड़ा जो गाइट किया था, बंधा था, उसको खोलेगा। खुलने के बाद बस शादी होगी। उसके बाद वो लोग तो नाचते रहेगा रात भर, इधर खाना वाना बनते रहेगा, खाते रहेगा और नाचते रहेगा, पूरा रात भर डांस करेगा, नाचेगा, गीत गाएगा। कितने लोग आए थे अपने शादी? वहाँ से तो ज़्यादा नहीं आया था, काहे लंबा रास्ता है, इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं आया था, वही 10-12 लोग अपना जितना था वो लोग आया था। और यहाँ का तो पूरा गांव वाला लोग रहेगा। दीदी को कैसे लेके आए थे आप? हाँ बाहर से कैसे लेके आए थे? कहाँ से? बाजार। बाजार से? बारात नहीं, ये बारात वाला काम नहीं था ना। अच्छा, आप लोग का?
हाँ अपने आप हुआ ना, जब देखा देखी में होता है वो बारात वाला। तो ये भी बारात होता है लेकिन खर्चा कहाँ है। अगर उन लोग का भी अगर खर्चा रहता तो उन लोग भी कर सकता, लेकिन हम लोग का भी यहाँ खर्चा अगर रहता तो हम लोग भी कर सकता, लेकिन दोनों तरफ थोड़ा कमज़ोर था इसलिए हम लोग का नहीं हो पाया। नहीं तो ऐसी तो बहुत आदमी जब ऐसी देखा देखी करके उसको ले आता है जिसका घर में है अच्छा है, तो वो लोग बाद में क्या करता है कि उसको भी अपना घर भेज देता है, वहाँ पर रख देता है, उसके बाद फिर यहाँ से बारात जाता है। एक साल के बाद होने से भी फिर बारात जाता है, फिर उसको ले आता है। अगर उसका सक्षम रहता है तो वो खर्चा करेगा दोनों तरफ का, इसका अगर सक्षम है ये खर्चा करेगा दोनों तरफ का कि हम धूमधाम से करेंगे। वो सक्षम का ऊपर में होता है। तो अब आप सक्षम है तो आप दोबारा कर सकते हैं। हाँ वो तो हम, हाँ अभी तो हम लोग का उतना ये हो गया कि हम लोग इतना इतना आदमी को शादी दे सक कर करवा सकते हैं, तो हम लोग का और क्या है। ये जो आई थी इसका जो इसका क्या बोलता है उसको, इस मतलब इसका आदमी का जो भाई था उसका खाली 5 लड़की है। 5 लड़की में एक लड़की अभी है, अभी पढ़ रही है। तो पहला लड़की का शादी यही सब कुछ किया था। हम नहीं बोले कि काहे उसको दे रहे। आप अगर सक्षम है तो आप करवा सकते हैं, उसमें मेरा कोई ये नहीं है। भले मेरा जाए लेकिन हमको बोलने का नहीं है कि काहे आप उसको दे रहे हैं। खाना होना ट्रेडिशनल जो होता है, मतलब ये होना ही चाहिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हम लोग का नहीं है कि हम लोग को वो होना ही चाहिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ नहीं, हम लोग का वो सब नहीं होता है। खाली गांव वाला लोग का क्या है मांग, हाड़िया। ये तो हाँ शादी में तो देना ही पड़ेगा। आप छोटा शादी कीजिए या बड़ा शादी कीजिए, जो लगने का रहेगा वो देना ही होगा। हाँ वो मतलब कम से कम 5-6 हाँड़ी हाँड़िया लगता है। अपने घर में बनाओ या दूसरा किसी को चावल की धान दे के करवाइए, लेकिन कराना है। औरत आदमी दोनों पीते थे। हाँ औरत आदमी दोनों पीते थे। हाँ जिसको जिसको पीने का है तो पिएगा, और नहीं पिए पीने का रहेगा नहीं पिएगा। खाना उना खाएगा, मीट मछली खाएगा, भात सब्जी। और इधर तो डांस तो होते रहेगा, मदल धमसा लेके। गांव में तो पूरा मादल धमसा रहता ही है। शादी हुआ ये सब, फिर ये आपका सरहुल हुआ,
बहुत किस्म का पर्व होता है, सब पर्व में मादल धमसा लेके पूरा नाचता है। मुस्कुरा दीजिए।